फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार जी राजस्थान पर महाकवरेज आपको दिखा रहे हैं उपचुनाव की, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और उदयपुर से ये बड़ी खबर है। जी राजस्थान की खबर का त्वरित बड़ा असर हुआ है। करोड़ों की बकाया वसूली की प्रक्रिया में उदयपुर विकास प्राधिकरण जुट गया है। आपको बता दें, गीतांजलि फाउंडेशन यानी कि GMCH पर बकाया है UDA के करोड़ों रुपए और खबर चलने के साथ ही UDA के अफसर अब हरकत में आए हैं और यहाँ पर गीतांजलि फाउंडेशन GMCH से जुड़े हुए पत्रावलियां जो है वो खंगाली गई हैं। बकाया वसूली के लिए अन्य मामले भी खंगाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है इनमें करोड़ों रुपए बकाया है। UDA उपायुक्त बिंदु बाला ने गीतांजलि फाउंडेशन से जुड़ी पत्रावलियां मंगवा ली और बकाया वसूली में देरी किस लेवल पर और कैसे हुई है ये जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जी राजस्थान ने ये खबर उठाई थी कि पत्रावलियां होने के बाद नोटिस देने के बावजूद भी करोड़ों रुपए का बकाया है, उन करोड़ों रुपयों को वसूला नहीं जा रहा है। UDA आयुक्त राहुल जैन ने बकाया वसूली के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और आखिर गीतांजलि फाउंडेशन पर बकाया वसूली में ढिलाई क्यों बरती गई ये जाना जा रहा है। अब सभी तथ्यों का खुलासा जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन बड़ी बात ये कि जी राजस्थान की खबर का असर हुआ और त्वरित असर हुआ है। बिल्कुल त्वरित असर हुआ है। करोड़ों की बकाया वसूली की प्रक्रिया में अब उदयपुर विकास प्राधिकरण जो है वो जुट गया है, जागा है। जब जी राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, सवाल जी राजस्थान ने उठाए, तो उसके बाद अब UDA जो है वो हरकत में आया है। गीतांजलि फाउंडेशन पर बकाया है करोड़ों रुपए और आखिर इस जो बकाया राशि है उसका भुगतान क्यों नहीं किया गया, वसूली क्यों नहीं की गई, कहां पर ढिलाई रही, किन किन लोगों ने लापरवाही बरती और ढिलाई की, अब उनको लेकर पत्रावलियां तमाम जो है यानी कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब मंगाए गए हैं, वो अब खंगाले जा रहे हैं। UDA अफसर हरकत में आए और राम सिंह हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ गए। राम सिंह, ये खबर जब चलाई थी तो कई सवाल जी राजस्थान पूछ रहा था और अब इस खबर का असर भी हो गया है। देखिए, गीतांजलि फाउंडेशन पे करोड़ों रुपए की जो बकाया का जो पहले नोटिस दिया गया था, नोटिस के बाद में गीतांजलि ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इससे मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इनको कोई इससे नहीं दिया। अब आप ये देखिए, मिलीभगत और सांठगांठ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, 4 साल से ये फाइल धूल फांक रही थी। अभी उदयपुर के एक जागरूक व्यक्ति ने जब ये मामला संज्ञान में लाया तो हमने इस मामले में UDA के अधिकारी से बात की, पता चला कि इतने रुपए बाकी करोड़ बकाया है और UDA ने पिछले 4 साल में कोई नोटिस नहीं दिया। जब जी मीडिया में खबर का प्रकाशन हुआ तो अधिकारी हरकत पाए और हरकत में आ गए और इससे जुड़ी हुई पत्रावलियां खंगाली। आखिर ये मामला दबा क्यों रहा, किसने दबाया, किसकी मिलीभगत से मामला दबा रहा, करोड़ों रुपए की वसूली का मामले में कौन कौन अधिकारी जी लिप्त हैं जिन्होंने ढिलाई बरती, बहरहाल वो जांच के बाद पता लगेगा कि किन किन अधिकारियों की भूमिका रही है इस मामले को दबाने की। अब JDC के UDA के जो कमिश्नर है वो भी सक्रिय हो गए हैं वसूली के मामले में, किस किस तरह से वसूली की सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिल्कुल राम सिंह, UDA उपायुक्त जो है बिंदु बाला, उन्होंने ये पत्रावलियां जो है वो तमाम मंगाई हैं, कब तक ये पूरी पत्रावली उन्हें सौंपनी होगी और जांच की जो बात हो रही है वो जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी? देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि अन्य बकाया के और भी मामले हैं वो भी लाए जाए और उनसे भी वसूली की जाए, क्योंकि UDA की जो वित्तीय हालत है वो वैसे ही कमजोर है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए बकाया है, उनसे वसूली नहीं कर पा रहे अधिकारी, क्यों नहीं कर पा रहे। और आप ये देखिए, कई अधिकारी तो ऐसे हैं जो सुबह आते हैं शाम को अपना टाइम पास करके चले जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। वो बड़े बड़े बिल्डरों से, बड़े बड़े जो प्रभावशाली और रसूखदारी लोगों से जो जिन अधिकारियों की मिलीभगत जो बताई जा रही है वो जांच के बाद ही पता लगेगा कि UDA का कितना करोड़ रुपए बकाया है, जो जिनकी वसूली की जानी उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कार्य किया जाए। इसको लेकर के UDA में हड़कंप मचा हुआ है और पत्रावली खंगाली जा रही है। अच्छा राम सिंह, क्योंकि देखिए करोड़ों रुपए है और जितना बकाया है उससे ज्यादा तो ब्याज लग गया, यानी कई करोड़ों का ये अब बकाया बाकी है, पत्रावलियां मंगवा ली गई हैं,
किन किन लोगों ने, किन किन अधिकारियों की वजह से हुआ ये भी सवाल है, इसकी जांच तो होगी, लेकिन बकाया कब होगी, जो बकाया राशि है वो कब तक ली जाएगी, उस राशि को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? देखिए अभी राहुल जैन अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, वो ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि देखिए मैं मामले को दिखा रहा हूँ, मेरे सामने ये मामले संज्ञान में आए हैं और निश्चित रूप से मैं इसमें कार्रवाई कर रहा हूँ ये कहकर के, और वो अधिकारियों को भी निर्देश कर रहे हैं। लेकिन लगभग एक सप्ताह मान के चलिए, एक सप्ताह में फिर दोबारा वापस अपन जो इनसे बात करके और इंटरव्यू लेंगे कि आपने क्या कदम उठाए हैं, उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक हफ्ता कम से कम टाइम लग ही जाता है इनको कार्रवाई करने में। ठीक है, तो एक सप्ताह का वक्त जो है वो यहाँ पर लग सकता है, और उसके बाद क्या कुछ जांच में निकल कर सामने आता है ये भी राम सिंह सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे जानकारी। बिल्कुल, और राम सिंह सवाल ये भी, क्योंकि अधिकारी जो है वो इनमें क्या बहुत सारे अधिकारियों के नाम आ सकते हैं, क्योंकि देखिए करोड़ों की राशि है और अभी बकाया है, नोटिस कई बार जा चुके हैं, उन नोटिस के बावजूद भी बकाया राशि नहीं ली गई है, तो क्या कई अफसरों के नाम आएंगे, और आते हैं तो क्या उन पर कार्यवाही भी होगी, एक्शन भी होगा? देखिए ये देखने वाली बात है, जैसे मिशन है राहुल जैन वो कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं था, मुझे तो आए हुए भी 3-5-6 महीने हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये मीटिंगें किस मीटिंगों में चर्चा क्या करते हैं अधिकारी, जब इनको प्रकरण ही इनके संज्ञान में नहीं है तो मीटिंगों में करते क्या हैं, यूडीए के क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या इनके काम है, ये सबसे बड़ा लापरवाही का बहुत बड़ा नमूना है ये जी। अब देखने वाली बात है कि यूडीए की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वैभव गालरिया, वो भी जोर दे रहे हैं कि ये निकायों में जो पैसा बकाया है, लीज का पैसा बकाया है, बहुत से करोड़ रुपए बकाए हैं, उनकी वसूली की तरफ अधिकारी ध्यान नहीं देते, इसको लेकर के भी मामला बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ। सोशल मीडिया में भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आखिर यूडीए के अधिकारी कर क्या रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वो रसूखदार और प्रभावशाली लोगों से मिले हुए हैं, ये कई लोग आरोप लगा रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में कमेंट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो कमेंट्स आना और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि लंबा समय हो चला है और अधिकारी अपने जो भी कर्तव्य है उनका निर्वहन नहीं करते नजर आए हैं, और उन्हीं की वजह से ये करोड़ों रुपए बकाया है। ठीक है राम सिंह, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना ये होगा कि कब तक ये जांच पूरी होती है, क्या कुछ नाम सामने आते हैं, और फिर उन नामों पर क्या कुछ कार्रवाइयां होती हैं, ये तमाम जानकारी सबसे पहले आपको जी राजस्थान देगा।